नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मंबो जंबो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मो, ये जल परियां क्या होती हैं? तुम्हें इसके बारे में कहां से पता लगा? आज स्कूल में मेरे दोस्त नन्ही जलपरी की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें नन्ही जलपरी की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक समुद्र के नीचे महल था, जहाँ एक राजा अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। किसी को समुद्र के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी जब तक वह 15 साल की ना हो जाए। राजा की सबसे छोटी बेटी बहुत सुंदर जलपरी थी, उसका नाम एरियल था। वह समुद्र के ऊपर जाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन आया जब वह 15 साल की हुई। वह समुद्र के ऊपर जाती है और बहुत खुश होती है। फिर वह एक जहाज देखती है। कितना बड़ा जहाज है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वह जहाज के पास जाती है और देखती है उसमें एक सुंदर राजकुमार बैठा है। तभी अचानक समुद्री तूफान आता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन एरियल राजकुमार को बचा लेती है और समुद्र के किनारे ले जाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार होश में आता है। तब तक एरियल समुद्र के नीचे चली जाती है। राजकुमार के सैनिक राजकुमार को ढूंढते हुए आते हैं और राजकुमार को महल में ले जाते हैं। नन्ही जलपरी को राजकुमार से प्रेम हो गया था। वह रोज समुद्र के ऊपर आती और राजकुमार के आने का इंतजार करती, लेकिन राजकुमार नहीं आया। एरियल राजकुमार को ढूंढने के लिए धरती पे जाना चाहती थी, लेकिन वो एक जलपरी थी, समुद्र से बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उसे एक तरकीब सूझी और वह समुद्री जादूगरनी के पास गई। मुझे इंसान बनना है। लेकिन क्यों? मुझे राजकुमार से प्रेम हो गया है। ओह, तो ये बात है, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी। एरियल मान जाती है। जादूगरनी उसके ऊपर जादू करती है और उसे इंसान बना देती है। जलपरी बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह राजकुमार के सामने होती है। राजकुमार उससे पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन एरियल की आवाज जा चुकी थी। राजकुमार अब एरियल को अपने महल में अपने साथ रखता, एक अच्छे दोस्त की तरह। राजकुमार ये नहीं जानता था कि एरियल ने ही उसकी जान बचाई है और वो उससे प्रेम करती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार की किसी से शादी होने वाली थी। अब न तो नन्ही जलपरी समुद्र में जा सकती थी और न ही राजकुमार के पास रह सकती थी।
उसने समुद्र में कूदने का फैसला किया। जब वह समुद्र में कूदती है तो समुद्र में नीचे जाने के बजाय वो आसमान में उड़ने लगती है और बादलों की दुनिया में पहुंच जाती है। बादलों के वासी उसका स्वागत करते हैं। काश नन्ही जलपरी की शादी राजकुमार से हो जाती। हमें हर काम निस्वार्थ भावना से करना चाहिए और जो मिल जाए उससे खुश हो जाना चाहिए। हाय, मैं मू हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।